Hello, my dear students. arshdeep Kaur here. This is your maths class for third standard icic board. Students, in my last video, I have discussed about the exercise 11B, 11A, in which I have explained how to read the time from the analog clock in one way only. Okay. Now, in this exercise, we will. Learn how to write the time in different ways, okay? So, let's start. We can write times in different ways now. The as I you can see, I have done one, two, three problems for you, and next six problems is your homework, okay? So, now the first problem. Now, you can see here what is the time first. सो हाउ कैन बी मेजर टाइम इन आर लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर टू नीडल्स वन इज़ द आर हैंड वन इज़ द मिनट हैंड नाउ यू कैन सी आर हैंड इज एट वन और टू के इन बिटवीन है तो जी हमारे पास क्या आएगा वन ठीक है डॉट इलेवन 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 को फाइव से मल्टीप्लाई किया इलेवन फाइव द फिफ्टी फाइव तो जी वन फिफ्टी फाइव आपके पास टाइम हो गया वन फिफ्टी फाइव ठीक है वन ओ क्लॉक वन आर फिफ्टी फाइव मिनट्स आपके पास जो टाइम हो गया है तो सेकंड वे में लिखने का इसका तरीका क्या है देखो बेटा वे क्या है कि ये है हमारे पास 55 मिनट देखो कि इस नीडल ने ब्लू वाली नीडल ने इतने जो 55 मिनट्स हैं वो पीछे वो छोड़ चुकी है ठीक है वो पास हो गए हैं अब वो दोबारा से नहीं आएंगे वो नेक्स्ट आर में आएंगे बट वन में नहीं आएंगे वन में वो मिनट्स क्या हो गए पास हो गए हैं तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा फिफ्टी फाइव जो जो मैंने लिखा है फिफ्टी फाइव मिनट एम आई एन मिनट फिफ्टी फाइव मिनट पास्ट वन तो कैसे लिखा मैंने फिफ्टी फाइव मिनट पास्ट वन ओके तो ये हमारा सेकेंड वे हो गया तो थर्ड वे हमारा है बेटा देखो अब इलेवन टू ट्वेल्व ठीक है जब जो नीडल ट्वेल्व पे आ जाएगी ये मिनट हैंड ट्वेल्व पे आएगी तो क्या टाइम हो जाएगा वन से कितना टाइम हो जाएगा टू ओ क्लॉक हो जाएगा जब जे सुई इलेवन से कहाँ पे आ जाएगी ट्वेल्व पे आ जाएगी तो कितने मिनट अभी बाकी है जहाँ पे फाइव मिनट्स जे फाइव मिनट कैसे आए आपके पास जे फिफ्टी फाइव था ना बेटा आपने क्या करना है सिक्सटी से फिफ्टी फाइव को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास फाइव ठीक है सिक्सटी से ये वाला फिफ्टी फाइव क्या करना है माइनस सिक्सटी से फिफ्टी फाइव माइनस किया तो फाइव आ गया तो हमारे लिखा फाइव मिनट टू 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 क्यों लिखा बिकॉज वन के बाद क्या आना है टू आना है फाइव मिनट टू टू की वू बजने में अभी फाइव मिनट रहते हैं ओके okay, बेटा सो सेकंड सम है सेकंड सम आप देख रहे हो कि जो आर हैंड है वो कहां पे है सिक्स और सेवन के इन इनबिटबिन है तो क्या आना है सिक्स और जो मिनट हैंड है वो टेन पे है टेन फाइव द फिफ्टी सिक्स पॉइंट फिफ्टी इट मीन कि सिक्स आर फिफ्टी मिनट्स हो गए हैं सिक्स आर फिफ्टी मिनट्स ये फर्स्ट हो गया सेकेंड फिफ्टी मिनट फिफ्टी मिनट पास्ट फिफ्टी मिनट चले गए हैं फिफ्टी मिनट पास्ट क्या सिक्स फिफ्टी मिनट पास्ट सिक्स हो गया अब नेक्स्ट है टेन ये नीडल जो टेन पे है जब ये ट्वेल्व पे जाएगी तो कितना टाइम हो जाएगा सेवन ओ क्लॉक टाइम हो जाएगा तो कितने मिनट रहते हैं सेवन बजने में अभी तो उसके लिए लिखा करना अपने फिफ्टी है जहाँ पे इसको सिक्सटी में से माइनस करो सभी को पता है सिक्सटी माइनस फिफ्टी किया तो क्या आएगा सिक्स माइनस फाइव वन माइनस किया तो क्या आ गया जी टेन आ गया तो क्या आएगा फिर टेन मिनट्स टू सिक्स के बाद बेटा सेवन टेन मिनट्स टू सेवन इसमें नेक्स्ट नंबर लिखना है जो यहाँ पे लिखा होगा सिक्स जहाँ पे आ गया सेवन जैसे मैंने यहाँ पे किया यहाँ पे वन आ तो यहाँ पे क्या आया है टू आया है इट मीन क्या आ गया, गया।, गया, गया यहाँ पे फिफ्टी मिनट्स पास्ट सिक्स और एक रास्ता और कौन सा हो गया टेन मिनट्स टू सेवन और सिक्स फिफ्टी ये टाइम हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड वे सॉरी थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है देखो नीडल जो है वो टू और थ्री के बिटबिन है तो टू आ गया सेवन सेवन फाइव द थर्टी फाइव टू थर्टी फाइव हो गया जी टाइम और और कैसे बोलोगे थर्टी मिनट पास्ट टू थर्टी मिनट थर्टी फाइव मिनट चले गए थर्टी फाइव मिनट पास टू और जी ट्वेंटी फाइव कैसे आया देखो टू के बाद क्या टाइम होगा थ्री ओ तो क्या हमने किया सिक्सटी माइनस थर्टी फाइव किया जी आ गया टेन फाइव फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव मिनट टू थ्री आ गया थर्टी फाइव में से क्या माइनस कर दिया सिक्सटी माइनस कर दिया ठीक है थर्टी फाइव माइनस टू तो बेटा ऐसे आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये सारे आपने कॉपी पे पहले ड्रॉ करने हैं क्लॉक्स और फिर ठीक है जी प्रैक्टिस करनी है दिस वन इज़ अ ए पार्ट नेक्स्ट वन इज़ अ बी पार्ट तो जो बी पार्ट है बेटा वो हमने इलेवन ए एक्सरसाइज़ में भी किया था जस्ट हमने इसमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं तो ये भी हम टू सम करेंगे और बाकी आपके लिए प्रैक्टिस होगी तो हैंड्स ड्रॉ करेंगे फर्स्ट है टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी आर हैंड कहाँ पे है बेटा जी टू पे और मिनट हैंड ट्वेंटी ट्वेंटी कैसे आए फोर फाइव द ट्वेंटी फ़ोर पे आ गए मिनट हैंड नेक्स्ट है नाइन फिफ्टी आर हैंड हम कहाँ पे बनाएंगे छोटे वाले नीडल आर हैंड नाइन फिफ्टी फिफ्टी का टेबल यहाँ पे बढ़ते हैं देखो फाइव वन दाइव फाइव टू द टेन फाइव थ्री द फिफ्टीन फाइव फोर द ट्वेंटी फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव फ़ाइव सिक्स द थर्टी फाइव सेवन द थर्टी फाइव फाइव एट द फोर्टी फाइव नाइन द फोटी फाइव फ़ाइव टेन द फिफ्टी टेन पे फिफ्टी आ रहा है तो हमने क्या करना है मिनट हैंड कहाँ पे बनानी है टेन ओके नेक्स्ट वन टेन आर हैंड आर हैंड आपकी है टेन पे मिनट हैंड ट्वेंटी फाइव पे है तो फिर से वन से टेबल स्टार्ट करो फाइव वन द फाइव फाइव टू द टेन फाइव थ्री द फिफ्टीन फाइव फोर द ट्वेंटी फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव 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 द ट्वेंटी फाइव आ रहा है फाइव पे तो मिनट हैंड कहाँ पे आ गया आपके पास फाइव पे आ गया ठीक है खीके? तो ऐसे ही बेटा आपने जो नाइन जो सम है वो ड्रॉ करने हैं और इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी है कॉपीज पे ठीक है ओके तो दिस वन इज अबाउट बी पार्ट नाउ नेक्स्ट इज द सी पार्ट सी पार्ट में हमने देखो क्या करना है वट विल विल द टाइम कि टाइम क्या होगा फर्स्ट सम है वन आर आफ्टर सिक्स आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में वन आर आफ्टर अगर आफ्टर आ रहा है तो आपने सिक्स में क्या ऐड कर देना है वन को ऐड कर देना है ठीक है सिक्स को वन में क्या कर देना है ऐड कर देना है तो हमारे पास जो फर्स्ट सम है बेटा सी पार्ट का फर्स्ट सम कैसे आएगा वन आर आफ्टर सिक्स ओ क्लॉक ओके देन वी कैन सॉल्व इट एज़ सिक्स में वन ऐड कर दो तो क्या आएगा सेवन तो क्या आंसर आएगा सेवन क्लॉक ठीक है अब जो जो सेकेंड सम है सेकेंड सम क्या है बेटा देखो वन आर बिफोर बिफोर का मीनिंग होता है पहले बिफोर में माइनस करना है आफ्टर में आपने प्लस करना है तो क्या आएगा वन आर बिफोर सेवन सेवन में से वन माइनस किए तो सिक्स आ गया तो आंसर क्या आएगा सिक्स ठीक है तो जी आंसर आपने कॉपी पे करने नॉट ऑन द बुक ठीक है सिक्स माइनस प्लस वन जी हो गया सेवन ओ क्लॉक ठीक है सेवन बिफोर जी हो गया सिक्स ओ क्लॉक ठीक है टू आर आफ्टर एट एट के बाद टू एट के बाद टू आवर्स लेने हैं देखो एट यहाँ पे है एट के बाद टू आवर्स ले लो एट के बाद टू आवर्स एट प्लस टू टेन ठीक है टू आवर्स बिफोर ट्वेल्व ट्वेल्व से टू आवर्स पहले ट्वेल्व माइनस टू टेन थ्री आवर्स आफ्टर फोर आफ्टर मीन प्लस फोर प्लस थ्री सेवन फोर आवर्स आफ्टर टेन टेन से फोर आवर्स बाद अब देखो टेन प्लस फोर तो होता है फोर्टीन तो फोटीन तो होते ही नहीं है तो फोर आवर्स कैसे लेने आपने देखो टेन से फोर आवर्स आगे टेन से फोर आवर्स आगे जे टेन है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फोर आर हो गए वन टू थ्री फोर आवर्स हो गए हैं इट मीन टेन टू इलेवन वन आर इलेवन टू ट्वेल्व सेकेंड आर ट्वेल्व टू वन थर्ड आर वन टू टू फोर आर ठीक है फोर आर तो टाइम क्या हो यहाँ पे टू तो इट मीन की फोर आवर्स आफ्टर टेन इज four hours after 10 is 2 o'clock okay but this one is a c part okay so a b c part we just discussed in this video okay so hope so you like the video so must watch the video till end okay and solve these exercises okay thank you and have a nice day bye bye take care